उन्होंने सिलावर को तो बचा लिया। जान बचा लो अपनी, साक्षात मौत है वो, उसे जीत नहीं सकते। लोग भी पक्का मरोगे। मैं वहां जा रहा हूँ, मुझे क्यों बुलाया? आप तो अंतर्यामी हो, आत्मा से बात करने के लिए। 2024 में सबसे बड़ी फिल्म कौन सी? पुष्पा 2 डबल या ट्रिपल सेंचुरी पक्का मारेगी, मगर बॉलीवुड भी इतनी जल्दी हार कहां मानने वाला है। 2024 में सलमान और शाहरुख गायब जरूर है। एक फिल्म ऐसी जरूर है ना, बल्कि कंटेंट में बल्कि कलेक्शन में भी बॉलीवुड को नंबर वन पर ला सकती है। भुलैया 3 ये है, पुष्पा 2 जैसे खरगोश के सामने दौड़ने वाली कछुआ। अगर 2024 में कोई बॉलीवुड को इज्जत दिला सकता है तो वो यही फिल्म है। ज्यादा बात नहीं हो रही है इस फिल्म की, मगर रेस खत्म होने से पहले ये फिल्म नंबर वन या नंबर टू पर जरूर आ सकती है। इतना कॉन्फिडेंस किस लिए? क्योंकि फिल्म का टीजर आने वाला है बॉस। जिस लेवल की प्लानिंग चल रही है, 200-300 करोड़ बच्चों का खेल होगा। सबसे बड़ी न्यूज़ तो यही है कि फिल्म के तीसरे भाग में असली मंजुलिका वापस आने वाली है। यह बालन एक बार फिर से हम लोगों की रातों की नींद उड़ाएगी। जैसे बाय वन गेट वन का ऑफर होता है ना, वैसे ही मंजुलिका अकेले ही वापस नहीं आ रही है, साथ में एक अपना डरावना लुक भी वापस लेके आएगी जो हमारे रातों की नींद उड़ाएगी। माधुरी दीक्षित इस बार फिल्म में अनएक्सपेक्ट एंट्री मारने वाली है। आप हैरान रह जाओगे उस रीजन को सुनकर जिस रीजन से इनको इस फिल्म में शामिल किया गया है। भुलैया 3 अब हमको ओरिजिनल कहानी में वापस लेकर जाने वाली है, वो भूतनी जिसने हीरोइन को बस में किया, उसकी छुपी कहानी। आप सोशल मीडिया पे थोड़ा भी एक्टिव रहते हो तो पता चल ही गया होगा कि आजकल फिल्म की शूटिंग कोलकाता में चल रही है। ओरिजिनली मंजुलिका की कहानी कोलकाता में शुरू हुई थी। जैसे भुलैया 2 थोड़ा ग्लैमरस मॉडर्न जमाने की कहानी थी, उसके ठीक उल्टा कोलकाता का इस्तेमाल करके ज्यादा रियलिस्टिक और भूतिया बनाकर भुलैया 3 को दिखाया जाएगा। और उसी कहानी का पार्ट होने वाली है माधुरी दीक्षित। ओरिजिनल मंजुलिका के पास्ट की कोई बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है, नेगेटिव भी हो सकता है विलेन वाला। दोस्तों ये भी है कि जो देवदास फिल्म में आइकॉनिक सॉन्ग था डोला रे डोला, ठीक वैसे ही आमी जो तुम्हार का स्पेशल वर्जन बनेगा विद विद्या बालन और माधुरी दीक्षित। बॉस आपका तो पता नहीं, मैं तो बस इतने पे ही फिल्म का टिकट खरीदने के लिए तैयार हूँ। विद्या बालन वर्सेस माधुरी दीक्षित, वो भी एज ए भूत, वो भी हमें तुमर के गाने पे डांस करते हुए, फेस ऑफ आग लगा देगा और बॉलीवुड का लेवल ऊपर हो जाएगा। मियां छोटे मियां क्यों नहीं चली? क्योंकि एक्शन मूड रिपीट ऑन हो चुका है, रोज से ज्यादा एक जैसा सिनेमा बनाया। भुलैया 3 का एडवांटेज यही है कि हॉरर और कॉमेडी पर सबसे कम फिल्म बनती है बॉलीवुड में। जीवन मैदान जैसी अच्छी मूवी अच्छे नंबर क्यों नहीं लेके आई बॉक्स ऑफिस पर? क्योंकि फिल्म देखे बिना हर कोई बता सकता है उसकी कहानी को। भुलैया एक अनप्रेडिक्टेबल मूवी है और टोटली सस्पेंस से भरी हुई है, जिसके लास्ट तक कोई नहीं बता सकता है कि फिल्म में आगे क्या होगा। सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि इसको किसी स्टार के नाम पे बेचा नहीं जाएगा, इसका सबसे बड़ा स्टार इसकी कहानी है। और जो एक्टर इसका फेस बन गए हैं, उन्होंने अक्षय कुमार को रिप्लेस कर अपना फेस बनाया था, इसलिए इस बात में कोई शक नहीं है कि कार्तिक के पीछे पब्लिक है। प्लस अब तो फिल्म में तृप्ति ढिमी भी शामिल हो गई है। भले सिनेमा इनको भाभी 2 बनकर मिला, मगर बुलबुल जैसी फिल्म इनकी पहचान है। फिल्म में बुलबुल का 1% भी इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा कि जे एक्टिंग डिपार्टमेंट में आपको 1% भी गलती ढूंढने को नहीं मिलेगी। और भरोसा इसलिए भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि पहले 2 पार्ट के मुकाबले इस पार्ट का बजट ज्यादा होने वाला है। भुलैया 2 ने वर्ल्ड वाइड 260 करोड़ का बिजनेस किया था, भुलैया 3 का बजट ही इस बार 200 करोड़ होने वाला है, तो कलेक्शन 500 करोड़। इस बजट को पूरा करने के लिए एक टुकड़ा बाकी रह गया है जिसका नाम है अक्षय कुमार। बस सिर्फ 2 मिनट का कैमियो इस फिल्म का कलेक्शन डबल कर देगा। इसका कंफर्मेशन फिलहाल कुछ नहीं है और चांसेस भी कम लगते हैं, मगर पब्लिक में बहुत दम होता है। कार्तिक प्लस अक्षय प्लस विद्या प्लस माधुरी प्लस बुलबुल, वाव। दीपावली 2024 बॉलीवुड का कमबैक थोड़ा लेट होगा, अगर ग्रेट होगा फिल्म का टीजर शूट कर लिया गया है। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और बाकी मैं आपको अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।